पुलिस प्रशासन की निगरानी में रामघाट पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि इस बार के कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए विशेष रूप से प्रयास किया गया था कि कोई छोटा बच्चा व बुजुर्ग गहरे पानी में ना जाए, जिसको देखते हुए नदी में बैरिकेडिंग कराई गई थी। नदी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ व गोताखोर की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि नदी में भ्रमण कर रहे थे। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन पुलिस प्रशासन व नगर निगम के सहयोग से स्नान सकुशल संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि लगभग 15,000 लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी में स्नान किया। इस अवसर पर नौसन चौकी प्रभारी अनूप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, हो जाता है लाइन तब 2 मिनट व्यू के हर 1,000 व्यू के 10 डॉलर मिल जाते हैं। एड जो होता है उसके जैसे 1 लाख 1.5 लाख मिल गया कैसे होता है इस बार विशेष रूप से ये प्रयास किया गया था कि कोई भी गहरे पानी में ना जाए, स्पेशली बच्चा या बुज़ुर्ग, उसके लिए बैरिकेडिंग कराई गई थी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें और गोताखोर लगातार भ्रमण कर रहे थे। पुलिस फोर्स भी लगातार भ्रमण कर रहा है। प्रातःकाल 4 से 8 के बीच में बहुत अधिक भीड़ थी, लेकिन सकुशल यहाँ पर सम्पन्न हुआ। अब काफ़ी कम भीड़ है, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं और संभवतः 12-1 बजे तक ये काफ़ी कम हो जाएगी भीड़। प्रातःकाल 4 से 8 के बीच में 5 से 7 हज़ार की भीड़ रही होगी और आते जाते रहे हैं लोग तो इस तरह से, लेकिन इतनी भीड़ लगभग लगातार बनी रही है।